नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए। उधमपुर जिले के समरोली इलाके में अमरनाथ यात्रियों का वाहन ब्रिज पर बने डिवाइडर से टकरा गया। समान नागरिक संहिता पर कानून मंत्रालय की 15 जुलाई को बैठक होगी। महिला और बाल विकास समेत कई राष्ट्रीय आयोग और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस बैठक में शामिल रहेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे जा रहे हैं। 6 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बाकी है। विपक्षी पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिशों में लगी हैं और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को विपक्ष की महाबैठक होनी है। इसमें करीब 24 राजनीतिक दल शामिल होंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक बस और ट्रॉली की भिड़ंत हो गई है। इस भीषण हादसे में 18 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद एनसीपी की बगावत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के 30 बड़े नेताओं की बैठक हुई। राज्य कांग्रेस के नेता संख्या बल के आधार पर नेता प्रतिपक्ष पद पर दावा ठोक चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अलाकमान ने इस मामले में जल्दबाजी दिखाने से अपने नेताओं को मना कर दिया है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक तूफान अभी तक थमा नहीं है। अजित पवार गुट के सरकार में शामिल होने के बाद एक लड़ाई एनसीपी में छिड़ी है तो दूसरी जंग सरकार में भी चल रही है। यह लड़ाई मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर है। अभी तक अजित पवार गुट के मंत्रियों को कोई विभाग नहीं मिला है। इसी को लेकर बीती रात एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की एक अहम बैठक हुई। नई दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास बुधवार सुबह एक लड़की की लाश कई टुकड़ों में कटी मिली। पुलिस टीम ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश से ज्यादातर इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।